नहीं उड़ नहीं जाएगा ये बाहर निकल के बेदिहानी में, इसको खोलना आता होगा पर काट के खोलेंगे इसको। नहीं नहीं खोलना नहीं, शायद ये बोलने वाला होगा। ये देखिए गाइस, ये सुबह सुबह पकड़ा है तोता, कितना प्यारा है। इसकी बिल्कुल जो है ना कलर देखें, इसमें कितने सारे हैं, जामनी कर देना पूरा सारा। जामनी है ये, ब्लू है, जामनी है, अच्छा डार्क जामनी। देख के सिरा, ये आज ही सुबह पकड़ा है। ये सामने पेड़ में आके बैठता था काफी टाइम से, तो आज इसको हमने फाइनली पकड़ लिया है। ये देखिए गाइस, ये नोकिया मोबाइल और ये 75-75 वाले दो नोट और ये दो ड्रेस। तो ये मेरी बड़ी बहन शादी में गई थी कल, वहाँ से लूट के लेकर आई हैं। तो हमें भी कोई ऐसी शादी में इनवाइट कर ले, हम भी चले जाएं। ये देखें मोबाइल लूटा, और माशाल्लाह से बहुत बड़ी शादी थी तो जहाँ पर ये चीज़ें लुटाई जा रही थी, और भी बहुत कुछ था, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर ने ये सब लूटा। और ये देखें, एक ड्रेस ये है और एक ये ड्रेस है, और ये हैं 75 के नोट। तो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आज अपने हाथ में लेकर एक नोट। तो इस तरीके के कितने नोट लूटे तुमने? तो ये देखें, आप लोगों ने भी अभी तक इस्तेमाल किया है या नहीं किया, तो आज मेरे हाथ में, अच्छा तो ये आज मेरे हाथ में फर्स्ट टाइम आया है। तो शिफा नकली समझ रही है इसको। तो भाई अगर कोई शादी इस तरीके से करे, लूट लूट जिसमें लूट फूट हो, तो हमें भी इन्वाइट कर ले, हम भी थोड़ा सा लूट मारी। जिस तरीके से महंगाई चल रही है, अफोर्ड करना हो रहा है मुश्किल, तो हमें भी कोई इस तरीके की शादी में पूछ ले ताकि हम भी थोड़ा सा लूट मार कर लें। तो चलें, अब बड़ी वाली बहन के दो हो गए ऐश। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है मंगल और आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 1 बजे। तो यहाँ मैंने सफाइयाँ कर ली थी, तो मैंने कहा पहले सफाई कर लें क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था, फर्श वगैरह सीढ़ियाँ सब मट्टी मट्टी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही फैलावा था आज। तो हमने सोचा पहले हम करें पूरे घर को क्लीन, उसके बाद हम स्टार्ट करें अपना व्लॉग। आज मैंने बंटी बबली का हाउस भी साफ़ किया, यहाँ मैंने पूरी क्लीनिंग करी है। नीचे इन लोगों ने बहुत गंद मचाई हुई थी, यहाँ भी पूरी पिंजरे हटाकर मैंने सफाई करी है, पौधों की थोड़ी सी चेंजिंग करी है। तो ये देखें माशाल्लाह से अब हमारा घर हो चुका है बिल्कुल क्लीन। चलते हैं अब अंदर, तो चलते हैं शिफा से मिलवाते हैं आपको। ये रही शिफा, शिफा सलाम करें। तो आज शिफा को हमने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि शिफा की है तबीयत थोड़ी सी डाउन, तो सुबह उठी है तो काफ़ी इनको सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए हमने शिफा को आज स्कूल नहीं भेजा, आज शिफा रेस्ट कर रही है। तो बस आज हम शिफा को सिर्फ घर में ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो इसलिए अब ठीक हो, शिफा को पूरा दिन रेस्ट करवाएंगे ताकि इंशाल्लाह शिफा कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएँ। तो बस काशन के जाने के फ़ौरन बाद ही मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी थी, इसलिए कि अगर दिन गुजर जाता है तो फिर काम करने का मन नहीं होता, फिर दूसरे काम सर पे आके खड़े हो जाते हैं। तो मैंने आज सुबह ही सुबह पहले सहन की सफाई कर ली, मैंने सारा कॉमन साफ किया, अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद उठ के हम रात का डिनर जो है वो लंच में ही तैयार कर लेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो ये देखें गाइस, सीढ़ियाँ साफ़ सुथरी हैं, तो ये देखें कितने मज़े से सो रहे हैं ये दोनों यहाँ पर, ठंडा ठंडा लग रहा है इनको, ये देखें आराम से सो रहे हैं यहाँ पर, और शिफा इनको देख रही हैं। शिफा ठंडा ठंडा लग रहा है आपको फर्श? तो यहाँ मैंने काली वाली दाल और साथ हमने यहाँ पर चावल बॉयल कर लिए हैं, तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में दाल चावल। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस को दाल चावल पसंद है। मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई है ये वाली दाल क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा था बनाने का, आज बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने आज दोपहर में ही खाना बना लिया है। चावल भी यहाँ रेडी हो चुके हैं। बस अभी इसमें हम बघाड़ लगाएंगे लहसुन गोल मिर्च और जीरे का। तो क्यों हिलती रहती हो? मेकअप कर रही हूँ। तबीयत कैसी है अब? कुछ बेहतर हुई? नहीं, जाओ फिर आराम करो। मेरा मेकअप का क्या हशर किया हुआ है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखें मेरी दराज का, ये दिखाओ, ये देखो मेरे स्पंज का हाल क्या किया है, और देखें मैं दिखाती हूँ आपको मेरी मेकअप की दराज का क्या हाल किया है, ये देखें सब मैं समेट समेट के रखती हूँ सारा सामान, और ये शिफा पूरा बिखरा के रख देती हैं, हर चीज़ मेरी जगह पर नहीं मिलेगी, फिर मैं एकदम से सफाई करती हूँ फिर ये सारा ख़राब कर देती हैं।
तो किसी दिन मैं इसकी दराज की सफाई करूंगी, फिर दिखाऊंगी मेरे पास क्या मेकअप है। यहाँ मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद हो रही है, लेकिन अगर शाम की चाय ना पियो तो दिन पूरा अधूरा सा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है, चलते हैं बाहर अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के चाय एंजॉय करते हैं। ये बिल्ली की वजह से मैंने दरवाजे को बंद रखा हुआ था, अभी जैसी आवाज़ सुनेंगे ना फौरन भागते हुए आएंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए नजर आया, ये देखिए पागल बड़े अंदर आने के लिए, ये देखें ये देखें, बस मेरी आवाज़ सुनी और मैंने अभी दरवाज़ा खोला है, ये ऊपर से आए। तो लाइट आज सुबह से ही बहुत तंग कर रही है, मैं भी लेट गई थी दाल चढ़ा के, मैंने कहा हल्की आँच पे पकती रहेगी तो मैं लेट गई थी, अभी उठी हूँ तो मैंने कहा पहले चाय पीते हैं फिर कुछ काम करते हैं। ये क्या किया आपने, मम्मा के लिए बिस्टिक लगाई है? मैं कहा क्या किया ये, अच्छी बिस्टिक लगा के आई, बुरी बात है छुटा हो जाके, चलो अभी साफ कर लेंगे। ये देखिए मैंने चाय रखी हुई थी मैंने, इसमें आके ना हमला कर दिया, शिफा इसको हटा लो मुझे गुस्सा आ रहा है। तो अच्छा लगता है शाम में खुला आसमान और ये पौधे और एक कप चाय। हाँ इसको बंद कर दो थोड़ी देर, फिर इसको थोड़ी अक्ल आएगी। तो गाइस शिफा ने ना बिल्ली के बच्चे को ना देखे पिंजरे में बंद कर दिया है, ये बाहर निकलने की कर रहा है। शिफा ये देखो इसकी जंप बहुत, ये देखो ये बहुत तेज़ है। तो ये देखें सामने आपको नज़र आ रहा है कड़ी पत्ता, मैं दिखाती हूँ, ये काशन ने लाके लगाया था ये कड़ी पत्ता, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया, ज़्यादा तंग नहीं करो परेशान हो जाएगा वो। चिड़िया ने घोंसला बनाया था, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, चिड़िया ने घोंसला बनाया था लेकिन वो चिड़िया जो है ना चली गई। शिफा इसको हटा लो मेरे पास से, टांगों में चिपकता है ना मुझे चिड़ आती है, देखो कुछ भी कर लो या पकड़ पकड़ पकड़। इसको मैं ना बाबा से बोल के छुड़वाने वाली हूँ, इसने बहुत तंग किया है। इसको कुछ दिनों में ना दूर छुड़वा दूंगी, बहुत आ नहीं पाएगा। मैं क्या कहती हूँ शिफा, रशियन बिल्ली आएगी और कौन पालेगा उनको, कौन खाना खिलाएगा? आप पहले आप अपने आप को तो संभाल लो, तो सारा ब्लॉग खराब कर दो, सारा ब्लॉग खराब कर दो, ये पोल पट्टियाँ जो खुली हैं आपकी, पसीना देख रहे बच्चे को। तो अब अंधेरा हो जाएगा, लाइट नहीं है, क्या व्लॉग शूट करेंगे, तो इसलिए हम अभी से ही आपको अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। अगर लाइट आ गई तो हम व्लॉग शूट कर लेंगे, नहीं तो हम अभी से ही आपको अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए यही सब था जो हमने आपसे शेयर किया। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो पर कमेंट्स करें क्योंकि हमने कमेंट्स बॉक्स ओपन कर दिया है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ गाइस। मेरी नकल कर रही थी आप, शट योर माउथ।